दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इट्स दिलीप 001 पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हाल ही में पेटीएम ने न्यू अपडेट किया है और उस न्यू अपडेट का नाम है UPI लाइट। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप पेमेंट करते समय उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वैलेट में पैसा रखते थे ऐसे ही वो भी है, वैलेट में पैसा रख के आप उसमें से पैसा कटवा सकते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन करने के बाद। चलिए तो मैं बताता हूँ कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, न्यू अपडेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप ओपन करना है। चलिए मैं पेटीएम ऐप ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ। आपको यहाँ पर होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा UPI लाइट, UPI लाइट को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। UPI लाइट का ऐप क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर कोई सा भी अपने बैंक से चुन लेना है। चलिए मैं अपना इस बैंक से पेमेंट, बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस पेमेंट कटवाना है। यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर बैंक चूज करने के लिए जिस बैंक का आपका लिंक होगा उसी बैंक से आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है, उस पर पैसा ऐड कर देना। चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं आपको 5 रुपये ऐड करता हूँ, आप कुछ जितना भी 2000 भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं मैक्सिमम 5 रुपये ऐड करता हूँ और यहाँ से पेमेंट कर देना है। यहाँ पर आपको लॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लॉक नहीं लगाऊंगा। चलिए मैं रोलेटर कर देता हूँ इसको। और यहाँ से आपको अपना पिन डालकर इसको पेमेंट कर देना है और आपका UPI लाइट एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैं पेमेंट कर दिया हूँ और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ शो करेगा UPI लाइट, जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको यहाँ पर बैलेंस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। बैलेंस हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर UPI लाइट का एक ऑप्शन शो कर रहा है, जिसमें मैंने 25 रुपये ऐड किया है। और इसी प्रकार आप लोग भी इसको ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।